हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे युद्धों का क्रम, भारत राजस्थान में हुए युद्ध, प्रमुख युद्धों के क्या क्या क्रम हैं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आते आते हैं, जरूर आते हैं, हर कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। तो क्रम से युद्ध याद रखने के लिए मैंने ट्रिक बनाई है। ट्रिक है कल त्रि तरण चित्त सारंग खग पानी खा गिरी हल्दी मतिरे धर दौड़ाई। एक दो बार देखोगे अच्छे से याद हो जाएगा। कल, कल से क्या है, कलिंग युद्ध। 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था राजा अशोक मौर्य के। दूसरा क्या है, त्रितरण, त्रि से त्रिपक्षी युद्ध। 8वीं-9वीं सदी में 100 वर्ष तक युद्ध चला था प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट के बीच में। तो ग्रीन कलर से लिखा है प्रतिहार, यानी प्रतिहार की विजय हुई थी इस युद्ध में, ठीक है। इसके बाद है तरण, तो तर से क्या हुआ, ताराइन। 1191 में ताराइन प्रथम, पृथ्वीराज थर्ड और मोहम्मद गोरी के बीच, इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। इसके बाद 1192 में दूसरा हुआ था ताराइन द्वितीय, तो उसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी। रण, रण से रणथंबोर 1301, राणा हम्मीर और अलाउद्दीन खिलजी के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई। 1303 चित्तौड़, राणा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई थी। तो ये रानी पद्मिनी, सैनिक गोरा बादल, ये इससे संबंधित हैं। रानी पद्मिनी ने जौहर किया था 1303 चित्तौड़ में। इसके बाद ऐसे ही याद रखना, 1308 में सिवाना का और 1311 में जालौर का युद्ध भी हुआ था। ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए से मैंने ट्रिक में नहीं लिया। ये दोनों युद्ध भी अलाउद्दीन खिलजी जीता था। तो क्या हो गया, कल त्रितरण चित्त, अब क्या है सारंग, या सारंग यानी सारंगपुर 1437, राणा कुंभा और महमूद खिलजी मालवा के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें राणा कुंभा की विजय हुई थी। और इस विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण चित्तौड़ किले में करवाया था। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सी बार पूछ लेते कि विजय स्तंभ कब बनाया गया था। 1437 में सारंगपुर युद्ध जीतने के बाद 1440 में विजय स्तंभ बनाया गया था। तो क्या हो गया, कल त्रितरण चित्त सारंग, अब क्या है खग, ख से खातौली ग से गागरुन। 1517 में खातौली का युद्ध हुआ था राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच, जिसमें राणा सांगा की विजय हुई थी। और अगला क्या है, 1519 में गागरोन का युद्ध हुआ था, ये भी राणा सांगा और महमूद खिलजी द्वितीय के बीच में हुआ था, इसमें राणा सांगा की विजय हुई थी। आगे क्या है, कल त्रितरण चित्त सारंग खग पानी खा गिरी, पानी यानी पानीपत 1526, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और लोधी वंश का अंत हुआ था। इसके बाद दिल्ली में मुगल साम्राज्य प्रारंभ हुआ था। इसके बाद 1527 में एक बयाना का युद्ध भी हुआ था, जिसमें राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें राणा सांगा की विजय हुई थी। अब क्या है, कल त्रितरण चित्त सारंग खग पानी खा गिरी, खा से खानवा 1527, राणा सांगा और बाबर के बीच, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। अगला क्या है, गिरी, 1544 में गिरी सुमेल युद्ध, मालदेव राठौर जोधपुर का और शेरशाह सूरी गुजरात का, दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी जीता था। और उसने कहा था, ये मुट्ठी भर से याद रखना, उसने इस युद्ध के बाद कहा था, मुट्ठी भर बाजरे की कीमत के लिए कीमत पर मैं आज भारत की बादशाहत खो देता। तो क्या हो गया, कल त्रितरण चित्त सारंग खग पानी खा गिरी, इसके बाद क्या है हल्दी मतिरे धर दौड़ाई। हल्दी से हल्दी घाटी 1576, 18 जून को महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मानसिंह कछावा आमेर का राजा था, जो अकबर का प्रतिनिधित्व कर रहा था, इनके बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें मानसिंह की विजय हुई थी, यानी अकबर की विजय हुई थी। इसे थर्मोपल्ली कहा जाता है। इसके बाद 1578 में कुंभलगढ़ का युद्ध भी हुआ था, महाराणा प्रताप
और अकबर का ही सेनापति था शाहबाज खां, इसके बीच में जिसमें भी शाहबाज खां या अकबर का जीत हुई थी। अगला क्या है, मतिरे धर दोराई, मतिरे से मतिरे की राठ, 1644। अमर सिंह नागौर के और कर्ण सिंह बीकानेर के बीच में हुई थी, तो अमर सिंह नागौर की विजय हुई थी इसमें। धर से क्या हुआ, धर्मत का युद्ध 1658 औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में हुआ था। उत्तराधिकार का युद्ध था इसमें, जिसमें औरंगजेब की विजय हुई थी। अगला क्या है, दोराई या दोराई 1659 में, ये भी औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में हुआ था उत्तराधिकारी के लिए। ये दोनों शाहजहां के पुत्र थे, जो मुगल उत्तराधिकारी के लिए युद्ध हुआ था जिसमें औरंगजेब की विजय हुई थी। इसके बाद सन 1682 से 1818 तक मराठा आतंक का युद्ध चला था, जिसमें बाजीराव, सिंधिया, होलकर, शिवाजी, 1662 में पुरंदर संधि हुई थी शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह, जो अकबर का प्रस्ताव लेके गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे युद्ध और उनकी ट्रिक है। प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे जल्दी से दबा दीजिए।